हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा उत्सर्जन के बारे में कि उत्सर्जन जो है वो कैसे कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, पाद जंतुओं के अंदर, पादपों के अंदर। तो ये क्या, ये जीवों की जो प्रमुख क्रियाएं होती हैं उनके बारे में है कि जीवों की जो क्रियाएं हैं वो किस किस तरीके से होती हैं, उनका मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है एक तरीके से ये देखें तो हम, कि उनका इफेक्ट क्या पड़ता है प्लांट्स के ऊपर। तो ये तो बात हो गई कि उनके अंदर कि जो उत्सर्जन कैसे होता है। अब देखिए, उनके अंदर एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है पादपों की। अगर हम बात करें तो पादपों के अंदर एक और क्रिया होती है बिंदुस्राव, या गटेशन बोलते हैं उसको, बिंदुस्राव। ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए नाम क्या है बिंदुस्राव, तो इसी के नाम से हम ये जो पूरी प्रोसेस है इसको देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रक्रिया है वो क्या क्या होती है। देखिए जैसे कि आप ऐसे देखिए, आप सुबह सुबह कभी भी उठ के बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आप उसके नीचे जाके देखिए तो उन पेड़ों पर क्या होगा कि उनके पत्तियों के जो किनारे होते हैं, जैसे पत्तियों के ये पत्ती है, ये पत्ती हो गई इसकी, इस किनारे से क्या यहाँ से ऐसे पानी निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। उनकी सतह से क्या हो रहा है, पानी निकलता रहता है उनकी सतह से। तो वो प्रोसेस जो है वो किसके कारण होती है, वो यही वो बिंदुस्राव के कारण होती है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे इसकी परिभाषा देखें बिंदुस्राव कैसे बोलेंगे, तो इसकी परिभाषा हम देंगे पत्ती की सतह से पानी का बूंदों के रूप में निकलना, बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है, बिंदुस्राव कहलाता है। क्योंकि देखिए नाम क्या है इसका, बिंदुस्राव, मतलब जो सिक्रेशन होंगे वो बूंद बूंद के रूप में निकलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, पादप के अंदर तो क्या होगा, एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा पानी को बूंद बूंद करके शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वही क्रिया क्या कहलाती है, वो बिंदुस्राव होती है। ये तो बात हो गई कि ये मतलब बिंदुस्राव होता क्या है, हम किसको बोलेंगे कि जो गटेशन, ये जो परिभाषा है ये गटेशन की है, बिंदुस्राव की है ये परिभाषा हो गई इसकी। अगर आपसे पूछ जाता है बिंदुस्राव किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये कुछ कुछ वाष्पोत्सर्जन से रिलेटेड है, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्प के रूप में उत्सर्जन हो रहा था, तो वो जो प्रोसेस है उसका कंपैरिजन से भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और बिंदुस्राव क्या होते हैं। ठीक है, बिंदुस्राव के सबसे पहले तो हो गई है परिभाषा, और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। आप कभी भी जैसे कोई भी अच्छा सा बड़ा पेड़ है, आप ये पर कुछ भी लगा, जैसे घास है, दूब घास होती है, एग्जाम्पल दें हम इसका क्या, जैसे पीपल का पेड़ हो या फिर जो दूब घास होती है वो हो, अगर वहाँ पे आप सुबह सुबह जाके देखोगे तो, अब कई बार आप ऐसा बोलते हो ना कि जो ओस, हम ये सुनने को मिल जाता है जनरली ये चीज़ कि खेत में अभी ओस है, या फिर जो गार्डन है अभी उसके अंदर ओस है, वो क्या है, वो उसके अंदर जो पत्तियाँ क्या होती हैं वो गिल्ली होती है, उसके सतह से क्या निकलता है, पानी निकलता रहता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, बिंदुस्राव होती है, कि पत्तियों का जो किनारा होता है उससे जल का किसके रूप में निकलना, बूंदों के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, बिंदुस्राव कहलाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, बिंदुस्राव कहलाती है। ये तो है इसकी डेफिनेशन, कि हम इसकी परिभाषा जो है वो कैसे देंगे, हम किसको बोलेंगे कि ये बिंदुस्राव। ठीक है, ये तो बात हो गई बिंदुस्राव की। अब देखिए बिंदुस्राव के लिए क्या होता है इसके अंदर, मतलब देखिए कोई भी चीज़ है पादप से वो स्राव निकलना है, हमारे शरीर से कुछ भी पसीने निकले उसके लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई छोटे से छोटा तो ऐसा रंध्र चाहिए, ऐसा छिद्र चाहिए जिससे वो पसीना बाहर जा सके। तो इसी तरीके से जो ये जो बिंदुस्राव की प्रोसेस है इसके लिए भी क्या चाहिए, कुछ तो ऐसे ऑर्गन्स होने चाहिए, कुछ तो ऐसा अंग होना चाहिए जिससे बाहर जा सके। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स की, इसके बात कर रहे हैं हम यहाँ पे
प्लांट्स की। अगर हम पादपों के अंदर देखें तो पादपों के अंदर भी कैसे ऑर्गन होने चाहिए जिससे क्या निकले, ये जो पानी है बूंद के रूप में निकल रहा है ये निकले, ठीक है। तो इसके लिए पादपों में क्या पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं हायरेथोर्स या फिर जलरंध्र बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं, जलरंध्र, ठीक है, इनको बोलते हैं हायरेथोर्स या फिर जलरंध्र। किसको, जो पादप जो होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये जो बिंदुस्राव के प्रोसेस होती है, मतलब तो वो पानी की सतह से बूंदों के रूप में पानी निकल रहा है तो वो किन से निकलेगा, वो जलरंध्र से निकलेगा या फिर हायरेथोर्स बोलते हैं। उनसे क्या होगा, जो भी पानी होगा वो बूंद बूंद के रूप में क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, पादपों के अंदर होती है। अब देखिए पादपों में क्या होता है, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के अंदर क्या विन्यास भी तो पाया जाता है, तो पत्तियों के अंदर क्या होता है, उसकी जो शिराएं होती हैं, जैसे हायरेथोर्स की बात करें कि ये कहाँ पे होंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि पत्तियां जो होती है उसकी जो शिराएं होती हैं उनका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, अंतिम वाला जो पार्ट होता है उस पर, देखिए जैसे ये पत्तियां हैं तो इसके ये वाले पार्ट होते हैं, ये रिब्स होती हैं इसकी, ये शिराएं होती हैं, ये छोटे वाले शिराए, तो इसके अंदर क्या होती है, ये मध्य शिरा होती है, साइड में छोटी छोटी शिराएं होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो ये हम बात करें जो जलरंध्र होती है, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं उसकी हम बात करें, क्योंकि हमें क्या करना है, जो जल है उसको बूंदों के रूप में, एक्स्ट्रा जल है उसको बाहर निकालना है। वो प्रोसेस कैसे होगी, वो चीज़ तो हमें पढ़नी है यहाँ पे। तो अगर हम उसकी बात करें कि जैसे जलरंध्रों से जल निकलेगा, उसकी बात करें कि ये क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो क्या होता है, कहाँ पे जो पत्ती की क्या, पत्ती के अंदर क्या बताया मैंने, क्या होंगी इसकी शिराएं होंगी। तो पहला तो हो गया कि पत्ती की क्या होनी चाहिए, शिराएं होनी चाहिए। उन शिराओं का कौन सा पार्ट, उनका अंतिम छोर, उन शिराओं का अंतिम छोर। तो आप इसमें अगर पॉइंट क्या बना सकते हैं, कहाँ पे, उसके अंतिम शिरों पर क्या प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे जो स्ट्रोमेटा होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। पर ये जो रंध्र होते हैं ये क्या पाए जाते हैं, उपस्थित पाए होते हैं, ठीक है। किसके अंदर होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, पत्ती की जो सतह होती है उसके अंतिम स्वरूप पर ये रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कि ये रंध्र जो है वो कहाँ पे पाए जाएंगे। अब देखिए ये जो प्रत्येक ये रंध्र होते हैं ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रत्येक जो रंध्र होता है वो किसके अंदर खुलता है, वो एक छोटी कैविटी के अंदर खुलता है, ठीक है, एक स्मॉल कैविटी के अंदर खुलता है। कौन खुलता है, हमने ये बताया कि पादपों के अंदर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो उन रंध्रों से क्या होता है, जो जल है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। जो ये चीज़ आपको हम बताने के, जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, उनसे छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और प्रत्येक रंध्र किस में खुलता है, एक छोटी गुहिका में खुलता है, एक छोटी वाहिका में खुलता है। अब वो जो छोटी जो गुहिका हमने बताई, जो कैविटी हमने बताई, उसके चारों ओर क्या होता है, एक पतली भित्ती की, एक पतली भित्ती की कोमल जो पेरेन्काइमेटिस सेल्स होती हैं वो होती हैं। किसके चारों तरफ, देखिए सूक्ष्म रंध्र किस में खुले, इस गुहिका में खुले। इस गुहिका के चारों तरफ क्या होता है, ये जो कैविटी हमने बताई, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, इसके चारों तरफ लेयर तो कैसी होगी, पतली होगी, जो वॉल होगी, भित्ती की परत कैसी है, पतली है, ठीक है, पतली भित्ती की परत है। ये बात हो गई यहाँ पे, वो कैसी है, किसकी परत है, वो जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, जो मृदुतकीय सेल्स होती हैं उसकी बनी होती है। पेरेन्काइमा सेल्स, मृदुतकीय सेल्स क्या, पादप के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जो कोमल भाग होते हैं वहीं पे तो पाए जाते हैं, जबकि जो कठोर वाले पार्ट होंगे वहाँ पे क्या पाया जाएगा, वहाँ पे दृढ़ों तक पाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ें हम सारे प्लांट टिश्यूज के अंदर पढ़ चुके हैं कि उनके अंदर मृदुतक, दृढ़ोतक, स्थूल कोणोतक वो किस किस टाइप से काम करते हैं। ये तो बात हो गई कि जो रंध्र हैं वो किस टाइप के होंगे, उनके अंदर मेनली जो प्रोसेस है वो क्या क्या होगी, क्योंकि वही तो चीज़ें हमें बताने कि बिंदुस्राव जो है वो किस किस रूप में निकलते हैं, वहाँ से पानी का बूंदों के रूप में निकलना पॉसिबल किस किस टाइप से हो पाता है, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्वेश्चन को क्या ध्यान रखना है, बिंदुस्राव कहते किसे हैं, ये प्रोसेस होती किससे है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे, मतलब ऐसा डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि आप सुबह सुबह
किसी पेड़ के नीचे जाते हो तो उसके ऊपर पानी का बूंद के जो पत्तियों की वजह से क्या थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, वो क्रिया पादप की किसके कारण होती है, फिर उस क्रिया को क्या बोलते हैं, तब आपको इतना सोच के कन्फ्यूज नहीं होना। आपको डायरेक्ट सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पानी जब बूंदों के रूप में निकल रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बिंदुस्राव बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ डायरेक्ट आपके वहाँ से चीज़ आता है, आपके तुरंत ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि क्या हो रहा है, बिंदुस्राव मतलब बूंदों के रूप में पानी का बाहर निकलना। अब ये तो बात हो गई इसके अंदर ये प्रोसेस कैसे होगी। अभी मैंने जो आपको बताया आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको समझ में आ गया था, कि मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे, हम उतनी ही जल्दी आपको बाकी सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्सेज सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड करवाएंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये तो बात हो गई इसके अंदर की जो बिंदुस्राव के प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। अब देखिए इनके अंदर मैं बात करूँ कि पादप है उसको जल चाहिए, ये कॉमन सेंस लगा के देखिए, पादप को जल चाहिए और वो क्या कर रहा है, उसके अंदर पानी, अगर कोई कंडीशन ऐसे भी हो कि पानी कम दिया जाए फिर भी वो पानी को ज़्यादा निकाल रहा है, मतलब वो किस कारण से हो रहा है, ये बिंदुस्राव की प्रोसेस कब होगी पादप के अंदर, तो उसकी बात करते हैं। देखिए प्लांट क्या करते हैं, जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। अवशोषण किया किसका, जल का, ज्यादा होगा तभी तो निकालेंगे। ये बात मैं आपको शुरू से वाष्पोत्सर्जन में बता रहा हूँ, क्या कर लेते हैं वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा में मैंने क्या बताया था, पादप क्या करते हैं, वो सारा जल अवशोषित कर रहे थे, लेकिन वो पूरा जो जल होता है इनके यूज नहीं आ पाता है, इसलिए क्या करते हैं उस जल को, एक्स्ट्रा जो जल होता है उसको भाप के रूप में निकाले, वाष्प के रूप में क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। ये क्रिया क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन होती है। इसी कारण से पादपों के नीचे आप जाते हो तो क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि आसपास का जो वातावरण कैसा होता है वो नमी युक्त होता है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर तो क्या हो गया, इन्होंने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, पानी तो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कंडीशन क्या हुई, जो वाष्प का उत्सर्जन था वो कम हुआ, वाष्पोत्सर्जन क्या हुआ, कम हुआ। तब पानी किसके रूप में निकलता है, तब पानी बिंदुस्राव के रूप में निकलता है। ये चीज में अब आया आपको समझ में, आप भी समझ रहे होंगे कि वाष्पोत्सर्जन भी एक जैसा बताया और बिंदुस्राव भी एक जैसा बताया, बिंदुस्राव में भी पानी किस तरह से पानी बूंदों के रूप में निकल रहा है, वाष्पोत्सर्जन में भी एक्स्ट्रा पानी वाष्प के रूप में निकल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब वाष्पोत्सर्जन पूरी तरह से नहीं हो और जल फिर भी जल ज्यादा होगा उसको निकालेगा वाष्पोत्सर्जन के रूप में, जल ज्यादा है लेकिन वाष्पोत्सर्जन कम हो गया तो क्या होगा, बिंदुस्राव होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि बिंदुस्राव के प्रोसेस जो है वो कब होगी। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का तो मैंने बताया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा जो मैंने आपको पहले बताया था वही डेफिनेशन देनी है, लेकिन जब क्या हो जाए, जब वाष्पोत्सर्जन कम हो जाए, जब जो वेपराइजेशन की प्रोसेस है वो बहुत कम हो और क्या हो, पानी बहुत ज़्यादा हो प्लांट्स के अंदर, तो क्या होगा, तो उनके अंदर बिंदुस्राव होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अब तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो बिंदुस्राव है ये बहुत ज्यादा होगा, इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये इस कंडीशन में ज्यादा होगा किसके अंदर, कि जब वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पादप में ज्यादा जल है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर बिंदुस्राव की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा होगी। अब क्या होता है, पानी क्या निकलेगा, बूंदों के रूप में निकलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर ये पानी है, इसके में क्या होता है, इन बिंदुओं के साथ कुछ और एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं इसके अंदर, कुछ जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम घुलित अपशिष्ट बोलते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ भी क्या होते हैं, इसके साथ बाहर निकलते हैं। कैसे निकलेंगे, पानी तो है उसके साथ में क्या निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, वो बाहर निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, निकल करके और जो बाहर तो चले गए वहां से, वो सूख करके ऐसे पपड़ी के रूप में, कहां पे, जो स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा जो होंगे उसके आसपास क्या हो जाते हैं, वो पपड़ी के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक
ठीक है, पपड़ी बन जाती है उनकी, वो पपड़ी के रूप में जमा हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है किसकी, गटेशन की या फिर बिंदुस्राव की, कि जो बिंदुस्राव है वो कैसे कैसे होता है, कि उनके अंदर कैसे प्रक्रिया होती है, वो कब कब होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि देखिए अवशोषण भी हुआ है इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की भी बात हुई है और बिंदुस्राव भी हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकले इसके साथ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इनके अंदर कि ये प्रोसेस कैसे कैसे होती है। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है कि वो दूसरे प्रोसेस है उसके साथ में कैसे इसको मिक्स हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोसेस है वो इसके अंदर कैसे होती है। ये तो बात हो गई इसके अंदर। अब बात आती है आज के क्वेश्चन की। आपका आज का क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मतलब अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करती है। दोबारा से लीजिए क्वेश्चन, शरीर की उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करती है। उस ग्लैंड का नाम बताना है आपको, इसे मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं उसको। तो उस ग्रंथि का नाम बताइए जो दोनों की तरह काम करती है। आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।